वेलकम बैक टू योर चैनल अरीबी हबीबी। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। यो देखो, मेरी ना अच्छी खासी कॉलेज लाइफ चल रही थी, बट देन फिर आ गए एग्जाम्स थी एंड करेंटली मेरे फाइनल्स चल रहे हैं एंड आई हैव टू स्टडी। तुम में से शायद कई लोगों को ना पता हो, आई एम अ साइंस स्टूडेंट। मैंने 12th तक साइंस पढ़ी है एंड नाउ इन कॉलेज आई एम परसुइंग। तो मेरे लिए कॉमर्स बिल्कुल नया नया है एंड कल मेरा टैली एग्ज़ाम है अकाउंटिंग पैकेज का एंड कसम से मेरी फटी पड़ी है। लेट मी शो यू समथिंग। अभी करेक्ट 2 बज रहे हैं एंड आई हैव स्टडीड एवरीथिंग फ्रॉम ChatGPT। दिस मच आई हैव स्टडीड एवरीथिंग फ्रॉम ChatGPT। मेरे हिसाब से तो मुझे जो डिग्री मिलनी चाहिए ना, वो भी मिलनी चाहिए ग्रेजुएटेड फ्रॉम ChatGPT यूनिवर्सिटी। हाँ तो अभी 2 बज रहे हैं एंड आई थॉट कि क्यों ना मैं ज़रा रिवीजन कर लूँ। बाय द वे कल सुबह 10 बजे मेरा पेपर है। लेट्स डू रिवीजन क्विकली ताकि मैं जल्दी से सो सकूँ, सुबह टाइम से कॉलेज पहुँच सकूँ। प्लीज भाई, आई लुक लाइक अ नर्ड, व्हाट द हेल। गाइज़, मैंने टाइमर लगा रखा था 1 घंटे का रिवीजन के लिए और मेरा रिवीजन लाइक आधा घंटा पहले ही कंप्लीट हो गया है। देखो अब बज गए हैं 3:30 एंड मैं जा रही हूँ सोने। मैंने अपना सारा रिवीजन कर लिया है, अब बस सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। अगर वो चाहेगा तो मैं पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आ जाऊँगी, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो। बाय द वे आई बिलीव इन यू। हाँ, मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कल मिलते हैं, गुड नाइट। बस आई। हेलो पापा, बोलो। देखो 12 बजे पेपर खत्म हो गया था, मैं एक घंटे से खड़ी हुई हूँ, बस का कोई नामो निशान नहीं है और अब तो लंच टाइम भी शुरू हो गया उनका। आप बताओ हम क्या करें। मैं रैपिडो से आ जाऊं। चाय से नींद को दूर भगाओ। सो यस, आप इधर टाइम देख सकते हैं 7:05, मतलब मैं घर पहुंची थी 3 बजे के आसपास एंड आई लिटरली स्लेप्ट और अभी मैं उठी हूँ 7 बजे। तो देखो भाई, मेरा पेपर तो बहुत ही अच्छा हुआ था और तुम लोगों ने सुनकर हंसी आई कि मैं किस लेवल की प्रिपरेशन कर रही थी और किस लेवल का पेपर आया था। मैं घर पहुंच गई हूं और कल है मेरा मार्केटिंग का पेपर, मुझे बिल्कुल भी गैप नहीं दिया गया है एंड आई हैवंट स्टडीड अ सिंगल टॉपिक ऑफ मार्केटिंग। तो मतलब आज भी मुझे पूरा एक ऑल नाइटर पुल करना पड़ेगा। और आई हैव वन मोर वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग टू टेल यू। कल रात को मैं अराउंड 3:30-4 o'clock के आसपास सोने आई थी अपने बिस्तर पर एंड देन जैसे ही मेरी नींद आधी अधूरी हो गई थी,
मतलब मैं सोने ही वाली थी तभी लाइट चली गई। भाई मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बट आई एम स्टिल पॉजिटिव बिकॉज वी शुड स्टे पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। तो देखो मेरा सब खाना पीना वगैरह हो चुका है एंड नाउ मैं पढ़ने बैठ रही हूँ फाइनली एट 7:37। भाई सिलेबस देख के ना मेरा दिमाग पहले थक गया, इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा, काश मैं पहले पढ़ लेती। ये देख रहे हो ये सारे PDFs जितने भी खुले हुए हैं सारे के सारे मुझे पढ़ने हैं एंड ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं ये सारे भी मुझे पढ़ने हैं। वाओ मैन आज तो मेरी बैंड बजेगी भाई। अब मैं एक काम करती हूँ जल्दी से ना इस सबको पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ एंड आई विल रिपोर्ट टू यू गाइस जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ बताना चाहिए। 2000 years later. Currently it's 3:40 AM. Ding dong, 4 बजने वाले हैं and I am still studying the basics. मतलब ठीक है, I know marketing इतना मुश्किल नहीं होता है, maybe होता भी होगा, but yes, मैंने अभी सारे basics पढ़ लिए हैं and damn, I am procrastinating again. बट आई एम ऑलमोस्ट डन, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, आई एम रेडी। ChatGPT जिंदाबाद। यो यो गाइस, इट्स 4:40 नाउ और फाइनली मैं सोने जा रही हूँ, कल जो होगा देखा जाएगा। पेपर कैसा हुआ तेरा? यार हद हो गए, मैंने 5 नंबर में इतना सारा लिखा और 10 नंबर में इतना सारा लिखा। आज मैंने 10 नंबर का पहले किया, मेरा कुछ नहीं छूटा। मैंने 5 से स्टार्ट किया, आज खुश हूँ मैं। मैंने 10 नंबर से स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि 10 नंबर वाला आता ही नहीं था। चलिए तेरा पेपर कैसा हुआ? अच्छा गया है। कितना अच्छा? काफ़ी अच्छा, 40+ आ जाएंगे लग रहा है, उम्मीद है थोड़ी। गाइज आई जस्ट रीच्ड होम इससे 20 मिनट पहले और अब मैं नहा धोकर एकदम बढ़िया तरीके से जा रही हूँ सोने। 2 hours later. Guys, it's 12:30 right now and I'm still trying to figure out that how should I study accounts. मैं तो अभी खाली न्यूमेरिकल ही कर रही हूँ और मैं एक बहुत बड़ी दुविधा है। स्कूल्स के टाइम पर तो मुझे एग्जाम के लिए सारे लेक्चर मिल जाते थे, कॉलेज में क्यों नहीं है जबकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेरे बाल और मेरा ये सारा वर्क स्पेस बता सकता है कि मैं लिटरली कितनी मेहनत कर रही हूँ सिर्फ कुछ नंबर पाने के लिए। आई मीन भाई कसम से दिस इज नॉट फेयर यार, एग्जाम बनाए किसने थे, होने ही नहीं चाहिए। भाई यार आई स्वेयर अभी 4 बज रहे हैं और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई है, मैं पिछले लास्ट 3 डेज से जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए ठीक से सो नहीं पाई हूँ और लिटरली अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है बट मैं सो नहीं सकती क्योंकि मुझे भी बहुत सारा पढ़ना है, अगर मैं पढ़कर नहीं गई तो मेरा बंटा धार हो जाएगा एंड आई कांट अफोर्ड दैट, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। मैं ना अपने आप से कैमरे के सामने प्रॉमिस कर रही हूँ कि आइंदा से कभी भी मैं अपने इस कोर्स के सिलेबस को एंड तक नहीं छोड़ूंगी, स्पेशली अकाउंट्स को तो कभी भी नहीं। और मुझे 3 दिन में अपने बालों को सुधारने का मौका भी नहीं मिला, ये तो झाड़ू जैसे हो गए हैं। पढ़ाई सो टफ। Thank you.
कभी भी जीवन में इतना हल्का सा भी पफिनेस एंड डार्क सर्कल्स नहीं आया है। क्या क्या दिन दिखा देता है कॉलेज। व्हाट इज फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, ये तो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भाई, इतना इजी नहीं आ सकता। गुड मॉर्निंग, मैंने कपड़े बदल लिए हैं और ये मेरी टी शर्ट में एक मोटरसाइकिल बनी है। आई होप कि आज मेरे दिमाग भी इसी मोटरसाइकिल जैसे तेज तेज दौड़ेगा। डन, अब जल्दी से पेपर के लिए निकलते हैं ताकि मैं जाकर अपनी लास्ट एंड फाइनल रिवीजन कर पाऊँ। भाई है फर्रे बन रहे हैं इधर। अरे है फर्रे बन रहे हैं, ये भी तो देखो। फर्रे यूज नहीं हुए थे क्योंकि एग्जाम ज्यादा ही इजी आ गया था। हाँ, अपडेट, आज की अपडेट, आज का पेपर। भाई मैं पास हो जाऊंगी, आई एम सो हैप्पी। अरे जिसको किसी को नहीं लगा था कैसा गया। मेरा तो पास हो जाऊंगी। अजय, पेपर का रिव्यू, पास फेल? वहाँ पे डिपेंड है भैया। पेपर कैसा? बहुत भैया, 40 नंबर आ जाएंगे ये पूछ के भाई, पूछ के 40 तो नहीं आएंगे, 25 तो आ जाएंगे। अरे भाई कितने बजे सोई है तू? 5। सेम, मैं भी सोई नहीं। ये सोई नहीं तब भी यार, अनएक्सपेक्टेडली पेपर अच्छा गया। अब मैं घर जाके 3 दिन के बाद महसूस होने वाला। सेम यार, धूप का प्रकोप। The boy didn't die. He was doing stunt with a legit scooty, so the dangerous accidental disbalance was obvious. Don't do stunts. Hamari toli khatam ho gayi. Khatam. Lisa. Someone is coming. Someone is what? भाई तू लड़कियों को स्टॉक करती है। ओ भाई मैं तो लड़कियों को ही स्टॉक करती हूँ, क्या करूँ जिंदगी में। वेट, अगर तुमने वीडियो लास्ट तक देखा है तो इसका मतलब तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है। सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड जाके कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो। इट विल ओनली हेल्प द एल्गोरिथम टू प्रमोट माई वीडियो टू न्यू यूजर्स। और भाई लिटरली बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज एडिट करने में, यू कैन एक्चुअली सी माई टाइमलाइन, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो इफ़ यू अप्रिशिएट माई वर्क डू सब्सक्राइब। थैंक यू।